माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ये कहते हुए बड़ा संतोष है कि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी सरकार के द्वारा इन परियोजनाओं में सरयू नहर परियोजना में 1000 रुपए की धनराशि अवमुक्त करी गई। माननीय अध्यक्ष जी, अर्जुन सहायक परियोजना में 100 करोड़ की धनराशि मुक्त करी गई और आने वाले समय में इन परियोजनाओं को 2019 तक सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना दिसंबर 2019 तक, अर्जुन सहायक परियोजना भी दिसंबर 2019 तक तथा मध्य गंगा नहर परियोजना यह 2020 तक पूरी कर ली जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, ये अत्यंत महत्व की योजनाओं को पूरा होने पर लगभग 1 करोड़ नागरिकों को, किसानों को सीधे और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ हो, उस क्षेत्र का जलस्तर बढ़ेगा, वहां पर किसानी का कृषक गतिविधियों का दायरा बढ़ेगा, वहां पर कृषकों की आय बढ़ेगी और उसके बदले पिछली सरकार के ये लोग जो यहाँ आलू की माला डालकर या इस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं, उनकी काश अगर वो यहाँ उपस्थित होते तो इसका जवाब देने की स्थिति बनती। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अतिरिक्त माननीय योगी जी के नेतृत्व में जहाँ गन्ना किसान के भुगतान पर अभूतपूर्व रिकॉर्ड भुगतान किया गया, वहीं उसके साथ साथ 3 जो बंद पड़ी हुई चीनी मिले हैं, वीनस चीनी मिल संभल, दया चीनी मिल सहारनपुर, बुलंदशहर चीनी मिल बुलंदशहर, इन तीनों को चालू करने का कार्य भी किया। इसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष जी, 2 बंद चीनी मिलों पिपराइज गोरखपुर मुंडेरवा बस्ती के स्थान पर 2 नई चीनी मिले लगाए जाने का भी प्रस्ताव। ये अपने आप में हमारी सरकार का इस प्रदेश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जन आधार वाले नागरिकों के लिए यह सोच, यह पहली कैबिनेट का प्रस्ताव जब किसी को यह दिखता नहीं था कि 36,000 करोड़ रुपए जैसी बड़ी धनराशि जो किसानों के ऋण मोचन के लिए उपलब्ध करानी थी, पहली कैबिनेट के लिए जो इस सरकार ने उसको पास करके उसको बांटने का काम किया, इस सरकार ने उस पहली कैबिनेट से ही ये सीधा सीधा संदेश दे दिया कि सामने वाले दलों की तरह भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार नहीं है जो केवल किसानों के नाम पर, किसानों के विकास के नाम पर बातें करती है और काम के नाम पर कोई परफॉर्मेंस नहीं करती। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अतिरिक्त कि बड़ी सिंचाई योजनाओं के साथ साथ हमारी सरकार ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक बूंद से भी हम अधिक से अधिक फसल का सहयोग ले सकें, स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई के लिए अनुदान की राशि को बढ़ाया, करीब करीब 11,000 ये स्प्रिंकलर सिंचाई सेट बुंदेलखंड में हम बांटने जा रहे हैं, 4,000 के लगभग हम लोग क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल जोन में इन यूनिट्स को बांटने जा रहे हैं। इसमें सीमांत कृषकों के लिए 90% का अनुदान है, सामान्य कृषकों के लिए 80% का अनुदान है। इसके साथ सोलर पंप, हमारी सरकार ने लगभग इस वित्तीय वर्ष में 11,000 सोलर पंप बांटने के लिए उसमें 7,700 पात्रों का तो चयन हो चुका है, 11,000 पंप हम बांटने जा रहे हैं और 11,000 हमने केंद्र सरकार से और प्राप्त कर लिए। ये ठीक है कि कोई भी सरकार जब काम करती है तो अपनी परफॉर्मेंस बताती है, लेकिन मैं यह कहना उचित समझता हूं कि अगर हम लोग इसी 10 महीने में, इसी एक साल में 20,000 सोलर पंप बांटने की क्षमता बना रहे हैं तो ये पिछली सरकार ने इसी अवधि में केवल 5,618 पंप इनके माध्यम से बढ़े। यह सरकार ने पिछली बार जिस प्रकार से कृषकों के नगर की प्रदेश की जनता के हितों की अनदेखी करी, उसका परिणाम तो ये भुगत ही रहे हैं, लेकिन हम लोगों को भी इस बात को
बहुत अफसोस होता है कि 5 साल इतने अगंभीर हाथों में हमारी सरकार, हमारे प्रदेश की सरकार थी।